तो सर आप यहाँ से जो यहाँ के भद्रवाह, खास करके मैं भद्रवाह की बात करूंगा, तो यहाँ से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं शराब के ऊपर की? देखिए, शराब जो है ये बहुत गलत चीज है, शराब नहीं पीनी चाहिए, उससे आपकी जो है स्वास्थ्य वो खराब हो जाए है। आपका जो है एक समय ये आ जाता है कि आपको फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, आपका जो है लीवर खराब हो जाता है, आप जो अगर आप मैरिड है घर में आते हैं फैमिली पर उसके आपके बच्चों पर उसका असर पड़ता है, इसलिए जो है शराब जो है ये पीना जो अच्छी चीज नहीं है। और आपके माध्यम से मैं हमारे पत्रावासियों को ये संदेश देता हूँ कि वो शराब ना पिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस टाइम मैं सीनियर लीडर, बीजेपी के सीनियर लीडर, डिस्ट्रिक्ट डोडा के मंजीर राज दान जी, पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो मैं आज इनसे बात करने आ रहा हूं कि यहां पर जो हमारे जम्मू कश्मीर में ठेके खुल रहे हैं, शराब के ठेके खुल रहे हैं, इन्हीं पे जानेंगे कि यहाँ पे ये सर यहाँ से क्या हमें संदेश देना चाहते हैं। तो जी सर, जो यहाँ पर आज शराब के ठेके जम्मू कश्मीर में खुल रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, जय भारत न्यूज का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आए और मेरा यहाँ पर आप इंटरव्यू कर रहे हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो जम्मू कश्मीर में शराब की जो दुकानें खुल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है उसको अपोज करती है, उसके खिलाफ है, और मैं निजी तौर पे भी ये कहता हूं कि ये दुकानें जो है नहीं खुलनी चाहिए। जैसे बिहार में नशाखोरी पर पाबंदी लगाई गई, और भी दूसरी राज्य हैं वहां पर भी शराब की दुकानों पर पाबंदी है, शराब पीने पर पाबंदी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये आग्रह करूंगा कि ये दुकानें नहीं खुले, ताकि लोग जो है शराब के इसमें ना पड़े, शराबखोरी में ना पड़े, और वो जो है अपनी उससे उसकी सेहत खराब होती है, उससे जो है माहौल खराब होता है, घर में माहौल खराब होता है, खर्चेदारी होती है, और जो है उससे जो है लोग जो है परेशान होते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि ये जो शराब की दुकानें हैं, ये जो फैसला किया है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो गलत है। सर एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कई बार हमारे जो सरकार में लोग बैठे, जैसे मनोज सिन्हा या कोई भी, ये कहते हैं कि एक तरफ से है कि नशा मुक्त करवाना है, तो दूसरी तरफ से ये ठेके खोल रहे, तो ये कहाँ तक सर आपको ठीक लगता है? देखो, मैंने पहले कहा कि ये जो है ये गलत है, हम शराब के खिलाफ है, हम शराब की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए, इससे जो है नए नए जो नए लड़के हैं, हमारे नौजवान लड़के हैं, वो शराब में लिप्त हो जाते हैं, उनकी सेहत खराब हो जाती है, और शराब की जो है लत लगने से जो है आपका शरीर जो है उसकी सेहत खराब हो जाती है, आपका लीवर जो है वो डैमेज होता है। तो शराब जो है ये कोई अच्छी चीज नहीं, और हम इसके अपोज करते हैं इस चीज को। तो सर आप यहाँ से जो यहाँ के भद्रवाह, खास करके मैं भद्रवाह की बात करूंगा, तो यहाँ से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं शराब के ऊपर की? देखिए, शराब जो है ये बहुत गलत चीज है, शराब नहीं पीनी चाहिए, उससे आपकी जो है स्वास्थ्य वो खराब हो जाए है। आपका जो है एक समय ये आ जाता है कि आपको फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, आपका जो है लीवर खराब हो जाता है, आप जो अगर आप मैरिड है घर में आते हैं फैमिली पर उसके आपके बच्चों पर उसका असर पड़ता है, इसलिए जो है शराब जो है ये पीना जो अच्छी चीज नहीं है। और आपके माध्यम से मैं हमारे पत्रावासियों को ये संदेश देता हूँ कि वो शराब ना पिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर, डिस्ट्रिक्ट डोडा के, और पेशे से ये एडवोकेट भी थे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहे जय भारत, नमस्कार।